नमस्कार, आजच्या या WJI कार्यक्रमासाठी आपण सर्व इथं जमलेलं आहात. वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया इथं अवॉर्ड शो झाला. त्या अवॉर्ड शोच्या माध्यमातून सरकारकडे पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी प्रश्न विचारले गेले. इसलिए हमें पंजाब से यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं, पत्रकार हैं, जिनको हम पूछना चाहते हैं कि आज इस प्रोग्राम में आपको कैसा महसूस हो रहा है और मौजूदा हालात पंजाब में पत्रकारों के बारे में क्या है. आपका नाम बताइए सर. मेरा नाम हरविंदर सिंह ढिल्लों है जी. सबसे पहले तो जितने भी आपके दर्शक हमें देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, पंजाबियों की तरफ से सत श्री अकाल. और आज की जो यहाँ पे एक मीटिंग थी हमारे ऑल इंडिया जो पत्रकार भाईचारा यहाँ पे आया है, तो ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए. क्योंकि सरकारें कोई भी रही हों, किसी भी राज्य की सरकारें हों, कभी भी किसी भी सरकार ने पत्रकारों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है और ना ही किसी सरकार ने आज तक सुविधाएं दी हैं. बल्कि जो सुविधाएं थोड़ी बहुत थी भी, तो सरकार बदलने जब सरकारें बदलती हैं तो वो जो थोड़ी बहुत भी सुविधाएं थी पत्रकारों की, तो वो भी जो ख़त्म हो गई हैं. इस टाइम जो हालात है पत्रकारिता के, वो बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि डाउन स्थिति में चल रहे हैं. दूसरी चीज़, एक छोटे पत्रकार और बड़े पत्रकार, एक दो डेफिनेशन निकल के आ रही हैं. ये छोटे पत्रकार मतलब ये कौन है, बड़े पत्रकार जिसको प्रिंट मीडिया कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है. पहले तो मैं सभी लोगों को ये बता दूं कि हर वो व्यक्ति पत्रकार है जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाता है, किसी दूसरों के हकों के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे वो मीडिया में है चाहे मीडिया से नहीं रिलेट करता, वो सभी पत्रकार की भूमिका ही निभाते हैं. इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है. हाँ, लेकिन कुछ हमारे ही जो लाइन के लोग हैं, हीन भावना जब आ जाती है. क्योंकि पहले आप लोग सभी जानते हैं कि अखबारों का युग था, प्रिंट मीडिया का युग था, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक का युग आया, उसके बाद अब डिजिटल युग आ गया है. तो अब धीरे धीरे जो सोशल मीडिया है उसमें उसने एक क्रांति ला दी है, ठीक है. और वो क्रांति जो पहले के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसी क्रांति आए. उनकी जो दुकानदारियाँ चल रही थी लीडरों के साथ, उनका जो चलता था देन लेन, वो अब ख़त्म हो गया. क्योंकि छोटे अब गांव-गांव में छोटे छोटे जगह में मोबाइल आजकल हैं और इंटरनेट सभी जगह उपलब्ध है और छोटी से छोटी बात मिनटों में जो फैल जाती है. तो सोशल मीडिया ने भी बहुत बड़ा जो अपना रोल प्ले किया हुआ है. धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया. आप सभी का भी धन्यवाद.